Hello everyone and welcome to Ateeb IAS. My name is Akash Vijayan और अभी आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा कि इलेक्शन कमीशन ने एक प्रस्ताव रखा है जिसमें वो पोस्टल वोटिंग का जो ये सिस्टम है उसको NRI तक एक्सटेंड करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन उन्होंने ऐसा कहा है कि जो NRI तक जो ये वोटिंग का जो राइट है, जो पोस्टल वोटिंग है, जो ये इसको जो एक्सटेंड करेंगे वो गल्फ नेशन जितने भी NRIs हैं उनको अभी नहीं दिया जाएगा, ठीक है। उनको अभी जो है इस प्रपोजल से बाहर रखा गया है। तो आज इस वीडियो में हम वही जानेंगे कि क्यों जो गल्फ नेशन के जितने भी NRIs हैं उनको क्यों इससे बाहर रखा गया है, क्या उसके कुछ रीजंस हैं, ठीक है। पोस्टल वोटिंग के बारे में भी बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है, इसमें बताया गया है कि ईसी ने गवर्नमेंट को बताया कि वो जो पोस्टल वोटिंग के जो राइट्स है, पोस्टल बैलेट जो है उनको वो NRI तक एक्सटेंड करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब पोस्टल वोटिंग होती क्या है? अब इंडिया में पोस्टल वोटिंग होती है, कुछ रेस्ट्रिक्टेड रेस्ट्रिक्टेड कुछ लोग होते हैं, ठीक है, उन्हीं को पोस्टल वोटिंग का राइट दिया जाता है, ठीक है। लिमिटेड सेट ऑफ वोटर्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं को जो है पोस्टल वोटिंग का राइट दिया जाता है। अमेरिका में भी इलेक्शन हुए थे तो उसमें तो सभी के पास चॉइस थी कि या तो वो पोस्टल बैलेट से वोटिंग कर दें या फिर वो जाकर वहाँ पे पोलिंग बूथ में जाकर वोटिंग कर दें, वो उनकी पर्सनल डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड करता था, ठीक है। लेकिन इंडिया में क्या है कि लिमिटेड सेट ऑफ वोटर्स है जिनके पास ये राइट अवेलेबल होता है, ठीक है, क्योंकि कुछ उनकी कोई स्थिति उनकी ऐसी होती है जिसकी वजह से वो लोग पोलिंग बूथ पर जाकर वोटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपके वोटर्स होते हैं वो नॉर्मली एक पोस्टल बैलेट पेपर पर एफएस को मार्क करके उसको बाय पोस्ट इलेक्शन ऑफिसर तक सेंड कर देते हैं। तो अब इस इंडिया में किन किन के पास ये राइट अवेलेबल है? तो आपके आर्म फोर्सेज के जो मेंबर है, जैसे आपकी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, आपको पता है कि ये लोग आपको पता है इनकी ड्यूटी होती है, ठीक है, पूरे साल ये लोग अपनी ड्यूटी करते हैं, तो ये इलेक्शन के लिए तो छोड़ के आ ही सकते हैं कि हमें वोट करना है, ठीक है। तो ये लोग पोस्टल बैलेट से जो है अपनी वोटिंग कर सकते हैं। और जो आपके आर्म फोर्सेज के जो मेंबर होते हैं, जो जो आपकी मान लीजिए पुलिस फोर्स है किसी स्टेट की, मान लीजिए महाराष्ट्र की पुलिस फोर्स है तो वो गुजरात में अभी सर्व कर रही है कोई कुछ लोग, ठीक है, तो वो लोग जो है पोस्टल बैलेट से वोटिंग कर सकते हैं। और आपके जो गवर्नमेंट है, जो आपके डिप्लोमेट्स हैं, जैसे डिप्लोमेट्स उनकी फैमिली वो तो बाहर के देशों में रहते हैं ना, तो वो लोग भी वोटिंग कर सकते हैं इसी पोस्टल वोटिंग से। और जो आपके प्रिवेंट डिसीजन में जितने आपके वोटर्स हैं, जैसे कि जिन जिनको होम अरेस्ट में रख लिया या फिर किसी और प्रिवेंटिव रोल के अंदर उनको अरेस्ट में रख रखा है, तो वो लोग भी जो है पोस्टल बैलेट से वोटिंग कर सकते हैं। प्रेजिडेंट, वाइस प्रेजिडेंट, गवर्नर, कैबिनेट मिनिस्टर, स्पीकर, ये सब जो है, ये आपको पता है कि ये एग्जीक्यूटिव के हमारे मेंबर है, ये लोग भी जो है पोस्टल बैलेट से वोटिंग कर सकते हैं। पर इनके लिए प्रोसीजर थोड़ा अलग होता है, इनको इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए एक अलग प्रोसीजर से होकर गुजरना होता है, ठीक है। तो अब पोस्ट से जो वोट्स होते हैं वो रिकॉर्ड कैसे होते हैं? अब जो आपका लास्ट डे, जो नॉमिनेशन विड्रॉल का जो लास्ट डे होता है ना, उसके 24 घंटे के अंदर अंदर ही जो आपका रिटर्निंग ऑफिसर होगा उसको बैलेट पेपर्स को प्रिंट करना होगा और उसको सारे वोटर्स के पास भेजना होगा, ठीक है। और वो इतनी जल्दी जल्दी ये सारा काम इसी वजह से किया जाता है ताकि जो आपके इलेक्टर्स है, जो आपके वोटर्स है, उनके पास काफी ज्यादा समय उनको मिल जाए, इनफ टाइम उनके पास हो कि वो आसानी से जो है इसको कलेक्ट कर सके, फिर भर सके, उसके बाद वापस से उसको भेज सके, ठीक है। जल्दी जल्दी में ऐसा कुछ भी ना हो कि जिसकी वजह से वो अपना वोट एक्सरसाइज नहीं कर पाए। इसी वजह से इस एक्टिविटी को इतना फास्ट ट्रैक किया जाता है। तो आपके पोस्टल बैलेट जो होते हैं वो आर्म फोर्स के जो आपके मेंबर हैं उनको उनके ऑफिस के द्वारा भेजे जाते हैं, जैसे कि आपके आर्मी नेवी के जो आपके मेंबर्स हैं उनके पास ये पोस्टल बैलेट, उनके पास ये बैलेट पेपर्स आपके उनके कंसर्न ऑफिस के द्वारा भेजे जाते हैं, ठीक है। और जो आपके जो इंडिया के बाहर जो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पोस्टेड हैं उनके जो फैमिली वाले हैं, ठीक है, उनके पास ये पोस्ट कैसे भेजे जाते हैं? उनके पास ये या तो पोस्ट से भेजे जाते हैं, इंटरनेशनल पोस्ट से, या फिर इलेक्ट्रॉनिकली, एक इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ये सब भेजा जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आपकी कैटेगरीज आपकी बच जाती हैं उनके पास ये सब कुछ एक डोमेस्टिक पोस्ट के द्वारा भेजा जाता है, ठीक है। तो ये सब जब जो आपके वोटर्स होते हैं, जो आपके इलेक्टर्स होते हैं, उनको जब ये बैलेट पेपर्स मिल जाते हैं तो उसके बाद वो अपनी प्रेफरेंस का जो कैंडिडेट होता है उसके आगे वो लोग अपना टिक का मार्क, जो टिक मार्क होता है उसके आगे लगा देते हैं, ठीक है, या फिर कोई और ऐसा कोई सिंबल वो उसके अंदर लगा देते हैं जिससे कि वो अपनी प्रेफरेंस को आइडेंटिफाई करा सके, ठीक है। उसके बाद उनको एक सेल्फ अटेस्टेड फॉर्म डिक्लेरेशन को देना होता है जिसमें उनको बताना होता है कि हाँ उन्होंने ही ये जो फॉर्म है उन्होंने खुद से ही भरा है, ठीक है, उनकी अपनी पूरी मर्जी से भरा है,
और उसके बाद जो बैलेट पेपर्स होते हैं और जो डिक्लेरेशन जो होता है सेल्फ अटेस्टेड, उसको एक सील्ड कवर में भेज के, सील्ड कवर में डाल के उसको रिटर्निंग ऑफिसर के पास वापस से भेज दिया जाता है। ठीक है, तो अभी जो हमने हमारा टॉपिक क्या था इस वीडियो का, कि हम एनआरआई को जो है पोस्टल बैलेट का राइट जो है ये गवर्नमेंट देने की बात कर रही है, ईसी जो आपके इलेक्शन कमीशन है वो देने की बात कर रही है। ठीक है, तो पिछले हफ्ते जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने गवर्नमेंट को साफ साफ बताया कि जो है वो एनआरआई को पोस्टल बैलेट का राइट देने के लिए पूरी तरह से रेडी है। ठीक है, और अभी मतलब पायलट बेसिस पे स्टार्ट किया जाएगा, पायलट बेसिस मतलब अभी इसको ट्रायल पे एक बार देखा जाएगा करके। ठीक है, जो आपके अभी आने वाले इलेक्शन है वेस्ट बंगाल, इन सबके जो आपके इलेक्शन होने वाले हैं असेंबली इलेक्शन, इनमें जो है इसको ट्राई करने का वो लोग सोच रहे हैं। ठीक है, तो मतलब एनआरआई को जो है पोस्टल वोटिंग के राइट दे दिए जाएंगे। तो अभी ये जो आपका प्रपोजल है ये कौन से एनआरआई के लिए करा जाएगा, आपके उन एनआरआई के लिए करा जाएगा ये जो कि आपके यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड, जापान, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस और साउथ अफ्रीका में रहते हैं, वहां पे रिसाइड करते हैं। ठीक है, तो उन्हीं एनआरआई को अभी उन्हीं एनआरआई को ये राइट जो है अभी अभी फिलहाल के लिए दिया जाएगा पायलट बेसिस पे। ठीक है, और इस पायलट बेसिस पे जो ये ट्रायल बेसिस पे जो ये स्टार्ट किया जा रहा है ना, इसका अभी गल्फ नेशन में जो आपके एनआरआई रहते हैं उनको अभी इसका पार्ट नहीं बनाया गया है। ठीक है, तो वो क्यों नहीं बनाया गया है वो देखते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द ईसी लीविंग आउट द गल्फ कंट्रीज। ठीक है, आपको पता है कि जो इंडियन डायस्पोरा है वो पूरी दुनिया में ही बहुत ज्यादा है। ठीक है, लेकिन गल्फ नेशंस में आपको पता होगा कि जो इंडिया के जो इंडिया का जो डायस्पोरा है वो काफी ज्यादा बड़ी मात्रा में वहां पर है। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग इंडिया से जाते हैं वहां पे जाकर अपनी जीविका कमाते हैं, उसके बाद वहां से रेमिटेंसेस भेजते हैं। ठीक है, तो मतलब एक काफी बड़े नंबर में वहां पे एनआरआई जो है डिसाइड करते हैं। तो ऐसा क्या रीजन था कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को ईसी ने छोड़ने की बात कही। ठीक है, तो कोई एक नेगेटिव रीजन नहीं था, कोई पर्सनल, कोई ऐसे ग्रजिस, कोई ऐसा कुछ था नहीं। ठीक है, कि इनको छोड़ दिया, जैसे गल्फ में आपको पता है आपके कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरेबिया और यूएई सारे ऐसे देश आते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता है कि ये नॉन डेमोक्रेटिक नेशन है, यहाँ पे लोकतंत्र है नहीं, मोस्टली यहाँ पे मोनार्क आपको देखा जाता है। ठीक है, मोनार्की यहाँ पर है। ठीक है, तो ये आपके नॉन डेमोक्रेटिक नेशन है और आपकी वोटिंग क्या हो गई, एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज हो गई आपकी। ठीक है, और आपको पता है इंडिया तो वैसे भी दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, तो उसका इलेक्शन अगर हो रहा है, उस देश में अगर इलेक्शन हो रहे हैं, तो वो जो एक्सरसाइज होगी वो तो काफी ज्यादा बड़े लेवल पे एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज होगी। तो जब ये देश अपने ही देश में डेमोक्रेसी को इतना बड़ा चाकर नहीं रखते, अपने ही लोगों को डेमोक्रेसी का राइट्स नहीं देते, डेमोक्रेटिक राइट्स नहीं देते, तो ये बाहर के देशों को, तो शायद बाहर के देश के जो आपके लोग हैं जो इनके देशों में जाकर रह रहे हैं जैसे इंडिया के ही, ठीक है, तो उनको तो कैसे ही दे देंगे, उनको तो बिल्कुल भी नहीं देंगे, तो शायद उनको अप्रूव भी ना करें। तो कहीं ना कहीं इस रीजन की वजह से कि जो आपकी जो गल्फ की जो नेशनरी आपकी नॉन डेमोक्रेटिक है, इस रीजन की वजह से जो है इसी ने अभी फिलहाल के लिए जो आपके एनआरआई जो आपके गल्फ नेशंस में डिसाइड करते हैं उनको इस पायलट प्लान से अभी बाहर रखा है। ठीक है, ये चार्ट देख लीजिए आप, ये आपके गल्फ नेशन में देख लीजिए आप कितने सारे आपके इंडियन डायस्पोरा आपका रहता है। देख लीजिए यूएई, देख लीजिए आप 34.2 लाख, मतलब 3.4 मिलियन लोग, जो आपका सऊदी अरेबिया आप देख सकते हैं, कुवैत आपका है, कतर देख लीजिए आप, बहरीन, बहरीन आप देख लीजिए, मतलब कितने सारी कितने बड़े अमाउंट में, कितने सिग्निफिकेंट अमाउंट में जो इंडियन डायस्पोरा है वो इन देशों में रिसाइड करता है। ठीक है, तो जो आपके एनआरआई वोटर्स जो है अभी उनकी करंट स्ट्रेंथ क्या है। ठीक है, इंडियन डायस्पोरा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि बहुत ज्यादा बड़ा है। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग जो है वो इंडियन डायस्पोरा में आते हैं। ठीक है, तो अगर हम यूएन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चले तो 16 मिलियन पीपल जो है इंडियन डायस्पोरा में आते हैं। ठीक है, मतलब जो लोग इंडिया से बाहर रिसाइड करते हैं, 16 मिलियन पीपल, मतलब बहुत बड़ा ये अमाउंट है, 160 लाख, 160 लाख लोग जो है वो इंडियन डायस्पोरा का पार्ट है। ठीक है, लेकिन अगर हम इन्हीं का कम अगर हम इसी में से निकालें कि कितने लोग इसमें से रजिस्टर्ड वोटर्स है, एनआरआई वोटर्स हैं, तो ये नंबर बहुत कम हो जाता है। ठीक है, मतलब 160 लाख में से सिर्फ 1 लाख लोग जो हैं, 1 लाख लोग जो हैं, ठीक है, वही जो है एनआरआई वोटर्स के तौर पर रजिस्टर्ड हो रखे हैं। ठीक है, तो मतलब ये बहुत मिनिस्क्यूल सा ही अमाउंट है। ठीक है, अगर हम पूरी डायस्पोरा की बात करें तो उसके कंपेरिजन में बहुत ही ज्यादा मिनिस्क्यूल सा ही अमाउंट है। ठीक है, तो इसको बढ़ाने की कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरत है। ठीक है, और अगर लास्ट हम लोकसभा इलेक्शन की बात करें जो आपके 2019 में हुए थे, तो उसमें जो है सिर्फ 25,000 आपके जो आपके रजिस्टर्ड एनआरआई वोटर्स है वही जो है
इंडिया में आए, उन्होंने वोट करके गए। मतलब 1 लाख लोग अगर हैं तो 75,000 लोग तो फिर भी नहीं आए, तो कितने सिर्फ 25% के आसपास आए। ठीक है, तो इसको भी बढ़ाने की जरूरत है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन एक डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज में बढ़े। तो अगर हम कंट्री वाइज बात करें कि किस देश में एनआरआई वोटर्स जो है वो सबसे ज़्यादा हैं, तो उस बेसिस पर डाटा अभी हमारे पास है नहीं। ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो आपको पता है काफ़ी रिलायबल सोर्स हमारे लिए हो सकता है, तो उसके पास भी अभी इसके बारे में कोई डाटा है नहीं। ठीक है, तो कंट्री वाइज हमारे पास डाटा नहीं है, लेकिन अगर हम स्टेट वाइज बात करें कि किस स्टेट से जो एनआरआईज गए हैं, ठीक है, तो उनमें एक स्टेट में कितने एनआरआईज ऐसे हैं जो जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं, तो उस बेसिस से अगर हम बात करें तो वो डाटा हमारे पास है। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो केरला इस लिस्ट में टॉप पर है। ठीक है, उसके 89,000 रजिस्टर्ड एनआरआईज हैं, मतलब देख लीजिए आप 1 लाख से ऊपर कुछ रजिस्टर्ड वोटर्स हमारे टोटल थे एनआरआई। ठीक है, तो उसमें से 89,000 तो आपके केरला का ही हो गए, तो मतलब कितना ज्यादा आगे सोचो केरला है। ठीक है, 1.18 लाख टोटल है, उनमें से 89,000 केरला से ही हो गए, तो बाकी तो मतलब जो बचे हुए वो आपके बाकी स्टेट्स में हो गए। मतलब केरला का रोल बहुत ज्यादा बड़ा है, केरला का जो शेयर है वो काफी ज्यादा बड़ा है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश 7,500 वोटर्स, देन आपका महाराष्ट्र 5,500 वोटर्स, देन कर्नाटका एंड देन आपका तमिलनाडु एंड तेलंगाना। ठीक है, तो मतलब साउथ के जो आपकी जो सदर्न नेशंस हैं वही जो है मोस्टली इसमें डोमिनेट कर रहे हैं। गिवन द पोल पैनल इज नाउ कीन ऑन अलाउइंग ओवरसीज इलेक्टर्स टू वोट इन इंडियन इलेक्शंस फ्रॉम अब्रोड। ठीक है, कंट्री वाइज इंफॉर्मेशन है नहीं, तो अगर इनको ये जो अपना प्लान है इसको इम्प्लीमेंट करना है, तो कंट्री वाइज डाटा होना कहीं ना कहीं एक बहुत जरूरी चीज हो जाएगी। ठीक है, तो वो मेंटेन करना पड़ेगा। तो अगर ये अप्रूव हो जाता है तो अभी जो एनआरआई है वो वोट करेंगे कैसे? ठीक है, क्या प्रोसीजर वो होगा? जैसे इंडिया में मैंने आपको बताया कि ऐसे वोट करते हैं कि मतलब 24 घंटों में सब कुछ करना होता है ऑफिसर को, तो वहां पे अब एनआरआई कैसे करेंगे? तो उसमें क्या होगा कि जब आपका इलेक्शन की जो डेट है, जो नोटिफिकेशन जब आपकी आ जाएगी ना, तो उसके 5 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, उसके 5 दिन के अंदर अंदर जो जिन लोगों को वोट करना है उन लोगों को जो है रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा अपने रिटर्निंग ऑफिसर के पास। ठीक है, जिन लोगों को वोट करना है उन लोगों को 5 दिन के अंदर अंदर रिटर्निंग ऑफिसर के पास अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद जो आपका आरओ है रिटर्निंग ऑफिसर, वो आपके पास पोस्टल बैलेट को इलेक्ट्रॉनिकली भेज देगा। ठीक है, मतलब जो आपका आपका जो मिशन होगा, इंडियन मिशन जो आपका आपकी कंट्री में जो होगा, उनके पास जो है ये पोस्टल बैलेट भेज दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद इंडियन मिशन में जाके आप आपका एक आपका डेजिग्नेटेड ऑफिसर होगा, वो इसको डाउनलोड करेगा, वो डाउनलोड करेगा, उसके बाद आपके मतलब वोटर के बिहाफ पे उसको डाउनलोड करेगा, उसके बाद वो वोटर को हैंड ओवर कर देगा। उसके बाद वोटर को करना है उसमें अपनी प्रेफरेंस को उसमें मार्क करना है, मतलब किस कैंडिडेट को वो वोट करना चाहते हैं। ठीक है, उसको वो मार्क करने के बाद, एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फिल करने के बाद, वो एक सील एनवलप में उसको अपने मिशन पर सबमिट करवा देगा। उसके बाद जो आपका मिशन होगा, जो आपकी एम्बेसी होगी, वो उस पोस्टल बैलेट को, आपके बैलेट पेपर को, आपकी प्रेफरेंस को, उस एनवलप को, मतलब इन टोटल उसको जो है डिस्पैच कर दिया जाएगा इंडिया में। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि क्या रीजन है जिसकी वजह से गल्फ नेशंस के जो एनआरआईज है उनको अभी प्लान से बाहर रखा जा रहा है। ठीक है, और पोस्टल बैलेट ये कैसे कैसे किया जाएगा, काफी अच्छी ये एक एक्सरसाइज हो सकती है अगर ढंग से इम्प्लीमेंट की जाए तो। ठीक है, तो मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों को डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज में, इस इलेक्शन में अगर हम पार्टिसिपेट करने का मौका देंगे, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर, एक ज्यादा पॉपुलर गवर्नमेंट हमारे सामने निकल के आएगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब अचीव आईएएस।